बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। डियर व्यूवर्स, आज हम करेक्ट ग्रामर के लिहाज से लेक्चर नंबर 5 में हैं। दीज सेंटेंसेस आर रिटन इन फ्रंट ऑफ यू ताकि आप जो सही ऑप्शन है उसके बारे में सही तौर पर जान सकेंगे उसकी क्या रीज़न है। आइए आज के जुमले देखते हैं। Yes, let's have a look. Sentence number 1. Salman enjoys playing tennis. Options are gerund, participle, verb or infinitive. In charon mein se kaun sa option hai? Ye bade important words likhe hue hain. So Salman enjoys playing tennis. Ab aap dekhiye ki playing se pehle helping verb maujood nahi hai. ing वाली फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी कि जब वर्ब बतौर नाउन इस्तेमाल हो तो उसकी एक निशानी ये होती है कि उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, और इस हालत को वर्ब की इस हालत को जेरंड कहते हैं। प्लेइंग से पहले इज़ एम आर वॉज वर्ब वगैरह नहीं है, लिहाजा ये पार्टिसिपल नहीं बल्कि ये जेरंड होगा, लिहाजा ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस नंबर 2, महक इज़ इंटेंडिंग टू गो। टू गो को अंडरलाइन किया गया है। गिवन ऑप्शंस आर जेरेंड, पार्टिसिपल, वर्ब या इन्फिनिटिव। तो जैसा कि आपको पहले भी मालूम है कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन्फिनिटिव कहलाता है। टू गो, टू प्ले, टू स्टडी, टू टीच, टू रन, टू सिट, ये तमाम कॉम्बिनेशन जो है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब इन्फिनिटिव, लिहाजा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव अहेड। सेंटेंस नंबर 3, वेयर डिड यू लर्न टू डैश फ्रेंच। अब ये देख लीजिए, जैसे पिछले जुमले में था टू के बाद कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, हमने सेंटेंस नंबर 2 में डिस्कस किया, यकीनन टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो गिवन ऑप्शन में हमें गिवन है स्पीकिंग, स्पोक, स्पीक और स्पोकन। तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है यानी प्रेजेंट टेंस है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वो स्पीक थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। लेट्स मूव अहेड। सेंटेंस नंबर 4, आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड स्मोकिंग। गिवन ऑप्शंस आर वर्ब, जेरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। तो आप देखिए कि स्मोकिंग को अंडरलाइन किया गया है, अगेन ये आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जब वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब मौजूद ना हो तो ये जेरेंड कहलाता है, लिहाजा ऑप्शन नंबर 2 जेरेंड इज देयर। और सेंटेंस नंबर 5, ही वर्क्स केयरफुली। गिवन ऑप्शंस आर नाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन। केयरफुली को अंडरलाइन किया गया है कि वर्ड केयरफुली ग्रामर के रूप से क्या है, तो जो वर्ड वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे, वर्ब के साथ क्वालिफाई करे, वो एडवर्ब कहलाता है, लिहाजा केयरफुली एडवर्ब होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट ऑप्शन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी मगर उतना ही अहम जितना पहले जुमले थे, दिस रेस्टेड एट सनसेट। एट सनसेट को अंडरलाइन किया गया है और गिवन हमारे पास ऑप्शन हैं नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, जेरंड फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। पहले तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि फ्रेज और वर्ड में क्या फ़र्क है। अगर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो तो वो इंग्लिश में वर्ड कहलाता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हों तो वो फ्रेज कहलाते हैं। तो दे रेस्टेड एट सनसेट, उन्होंने सूरज ढलने के बाद आराम किया। सो दे रेस्टेड, वर्ब रेस्टेड है, इसके मीनिंग में यह टर्म इजाफा कर रही है एट सनसेट, ये हमारी एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि वर्ब के मीनिंग में इजाफा हो रहा है, लिहाजा ये एडवर्ब फ्रेज है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है गिवन ऑप्शन है। तो आपने देखा किस यू नो वी डिस्कस टुडे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक जेरंड को हमने डिस्कस किया, इन्फिनेटिव को हमने डिस्कस किया, एडवर्ब फ्रेज को डिस्कस किया, और इसके साथ साथ मैं आपको पार्टिसिपल और जेरंड में फ़र्क बताता चलूँ। पार्टिसिपल जब इससे पहले इज, एम, आर, वॉज वर्ब यूज़ हो तो वो वर्ब जो है वो पार्टिसिपल कहलाता है, और अगर वर्ब से पहले इज, एम, आर, वॉज वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल ना हो तो ये जेरंड कहलाता है। एक और बात बताता चलूँ कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी टू प्ले, टू राइट, टू रीड, टू रन, टू सिट, टू स्टैंड,
वर्ब के से पहले अगर टू लगा दिया जाए तो इस हालत को हम ग्रामर में इन्फिनिटिव कहते हैं। तो ये वो थी चंद अहम बातें जो हमने आज ग्रामर में डिस्कस की। उम्मीद है कि ये छोटी छोटी बातें मिलकर आपके लिए एक साउंड ग्रामर को का बाइस बनेंगी। थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज अफसार अहमद ऑन यूट्यूब चैनल। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड द पीपल यू अराउंड। अल्लाह हाफिज़।